आई हैव जस्ट फिनिश दिस सेकेंड एपिसोड और सच कहूं यार, इसके सेकेंड एपिसोड को देखने के बाद इसके थर्ड एपिसोड का वेट नहीं हो रहा। और यकीन मानो, अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा और जितना एंजॉय इसके फर्स्ट एपिसोड में किया हुआ, उससे कहीं ज्यादा मजा आपको इसके सेकेंड एपिसोड में आने वाला है। और कुछ सरप्राइज भी है इसके अंदर। जिस तरीके का आप लोकी देखना चाहते थे, जैसे कि शरारतों का देवता, तो भाई साहब एक्चुअल लोकी कैसा होगा तो सच में आपको सेकेंड एपिसोड में वो देखने को मिल जाएगा। जैसे अपनी बातों से लोगों को मैनिपुलेट करना, वो एक्चुअल में इस एपिसोड में दिखाया गया है। और जिसमें मोबियस नाम का जो करेक्टर है, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो भी इसकी बातों में आ जाता है। और इसका सेकंड एपिसोड देखने के बाद आपको यकीन होगा यार, लोकी के ऊपर यकीन करना यार, नहीं 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 यार, इस इंसान के ऊपर यकीन तो हम नहीं कर सकते। और आप लोगों के दिमाग में फिर से यह सवाल उठने वाला है कि सेकंड एपिसोड देखने के बाद यार, ये टीवी काम कैसे करता है, इसके जो तीन रक्षक है वो टाइम को मेंटेन कर रहे हैं, वो कैसे ये सब कर रहे हैं। और इसके अंदर जो एक कन्वर्सेशन दिखाई गई है लोकी और मोबियस के बीच में, जैसे वो कन्वर्सेशन करते हैं इंसान की उत्पत्ति यानी जीव की उत्पत्ति को लेकर, उसके विनाश को लेकर, ये सारी बातें इसके अंदर जो दिखाई गई है, वो जो कन्वर्सेशन दिखाई गई वो सच में बहुत बढ़िया है। लेकिन वो जितनी बढ़िया है भाई साहब, वो उतनी ऊपर से भी चली जाती है। मतलब वो देखने के बाद आपको जब इसका कंक्लूजन निकालोगे, तो आप सोचो यार इसका मतलब क्या बनता है, ये पल्ले ही नहीं पड़ी कुछ भी वो बात। और ये टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आगे पीछे जाना, सच में यार ये पेचीदा भी बहुत है और मजा भी बहुत आता है। और अगर आप ध्यान से सोचो इस टीवी के बारे में, तो सच में आपके सर में दर्द हो जाएगा ये सोचने पर कि यार ये इतना पावरफुल है, कोई आज तक इसका कुछ भी उखाड़ भी नहीं पाया और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। और क्या होगा, टीवीए में से कोई चाहे तो वो टाइम में पीछे जाकर टाइम को बदल सकता है, वो क्या थैनोस को रोक सकता है उसको चुटकी बजाने से, उसे इन्फिनिटी स्टोन मिलने से, या फिर आयरन मैन को मरने से? क्या अगर टीवीए में अगर थैनोस आ जाए तो क्या होगा, वो क्या थैनोस को रोक पाएंगे? यार टीवी के सेकंड, इसके लोकी के सेकंड एपिसोड में देखने को मिल रहा है कि यार एक वेरिएंट इनसे नहीं संभाला जा रहा, उसने नाक में दम करके रखा है। सपोज अगर यहां पर थैनोस आ जाए तो क्या होगा? इतने सारे सवालों का उठना लाजमी है, क्योंकि यार हमने जैसे मार्वल की इतनी सारी मूवीज देखी है, और इसका एंड गेम जो मूवी हमने देखी है, जिसके अंदर एक चैप्टर क्लोज होता है, बहुत अच्छे से खूबसूरती से हमारे सामने रखी गई थी। और फिर अचानक से टीवी वाला एक झोलमाल हमारे सामने दिखाया जाता है कि टाइम को लेकर इसके अंदर इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं, जो एक इंसान टाइम को छोड़कर, टाइम लूप को छोड़कर किसी और टाइम लाइन में चला जा रहा है, तो भाई साहब इससे सच में दिमाग का दही तो होना ही था। और वो एक्चुअल में होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार ये देखने के बाद सवाल बहुत सारे उठते जा रहे हैं। लेट्स सी जब ये सीरीज खत्म होगी, जो हमारे मन में इतना बड़ा तूफान उठा हुआ है इस टीवी को लेकर, क्या वो शांत हो पाएगा, या सारी चीजें शांत हो पाएंगी, क्या याद रह पाएंगे? तो बहुत सारी चीजें यार, कहने को तो बहुत कुछ है। क्या वो शांत हो पाएगा, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। सीरीज खत्म होगी तभी वहां पर हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड नहीं देखा तो यार अभी जाकर देखो, और जिन्होंने देख लिया तो वो कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों के दिमाग में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं यार इस लोकी सीरीज को लेकर। सच में यार मेरे तो दिमाग की बैंड बजी हुई है एक बार फिर से यार, ये हफ्ते हफ्ते का खेल क्या लगा रखा है यार। सच में इतना बढ़िया इंटरेस्ट बना था फर्स्ट एपिसोड में, उस इंटरेस्ट को खराब कर दिया। सेकंड एपिसोड में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, थर्ड एपिसोड का वेट नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें यार, वेट करना पड़ रहा है। ये शक्तिमान का वो टेलीकास्ट लगा रखा है ना इन्होंने। खैर जिन्होंने नहीं देखा तो जाकर देखो यार, सच में काफी जबरदस्त एपिसोड रहा है सेकंड एपिसोड। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।